हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस इन दिस वीडियो विल बी द न्यूज़पेपर्स फॉर सिक्सर ऑफ थाउजेंड ट्वेंटी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको पढ़नी है यह हम इस वीडियो में देखेंगे स्टार्टिंग विद द हिंदू ऑन द फ्रंट पेज इंडिया सेट टू बी लार्जेस्ट बायर ऑफ वैक्सीन्स सो इंडिया जो है वो करीब 1.6 बिलियन डोज ऑर्डर कर सकता है 1.6 बिलियन डोज कैन बी ऑर्डर बाय इंडिया बिकॉज इट वांट्स टू एडमिनिस्टर 800 मिलियन ऑफ इट्स पीपल 80 करोड़ लोगों को दो डोज देने के लिए 1.6 बिलियन डोज इंडिया ऑर्डर कर सकता है एंड इट कुड बी द लार्जेस्ट बायर ऑफ वैक्सीन्स इंडिया ऑलरेडी पाँच मिलियन डोज बाय करने के लिए अग्री कर चुका है कौन सी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन तो 500 मिलियन डोज परचेज करने के लिए इंडिया ऑलरेडी अग्री कर चुका है एंड इंडिया कुड बी द लार्जेस्ट बायर ऑफ वैक्सीन तो आजकल इसके बारे में बहुत बात चल रही है द सेंटर गवर्नमेंट हैज द स्टेट्स टू रोल आउट अ प्लान ऑन हाउ दे वॉन्ट एंड टू होम दे वॉन्ट दिस वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर्ड काफी सारे स्टेट्स ने अपने अपने प्लान जो हैं वो इशू करने शुरू कर दिए हैं फॉर एग्जाम्पल हरियाणा ने अभी अभी अपना प्लान इशू किया है जिसमें उन्होंने अपने हेल्थ वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द हेल्थ वर्कर्स हैव ऑलरेडी बीन रिकोग्नाइज बाय हरियाणा जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होंगे हु आर द फ्रंट लाइन स्टाफ इन फाइटिंग कोविड नाइन्टीन तो इस तरह से हर स्टेट अपना अपना जो प्लान है वो रोल आउट कर रही है अंडर द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर देन मूविंग ऑन अदर पेजेसो संडे का जो न्यूज पेपर है इट अट अनकन्वेंशनल न्यूज पेपर बिकॉज इट डेव दूजल एडिटोरियल पेजेसो ऑन पेज नंबर टेन विच इज द बिजनेस पेज झारखंड ज्वाइनिंग एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन इम पास तो इस साल जीएसटी की कलेक्शन कम होने की वजह से सेंटर ने जो कॉम्पेंसेशन स्टेट को देना होता है उसमें लैग आ गया जिसकी वजह से सेंटर ने स्टेट्स को एक फार्मूला जो है वो एस्क्राइब किया दैट स्टेट्स शुड बोरो ऑन देयर ओन एंड इन टर्न द सेंटर विल इंक्रीज द ड्यूरेशन फॉर कॉम्पेसेटिंग द स्टेट्स कि सेंटर जो है वो एक साल एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेट कर देगी स्टेट्स को लेकिन इस साल के लिए जो स्टेट्स हैं वो अपना जितना भी डाउनफॉल है उसको खुद बोरो करके पूरा कर लें और उस जो भी वो बोरो करेंगे उनको वो खुद ही वापस कर दें वाई सेंटर डू दिसर इट द बर्डन ऑल काफी सारी states इसको रेजिस्ट कर रही थी इंक्लूडिंग पंजाब वेस्ट बंगाल केरला स्पेशली दो स्टेट्स जहां पर ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है, यानी कि बीजेपी के अलावा किसी भी और सरकार की जहां पर सरकार है बट नाउ द मोस्ट ऑफ द स्टेट इन लाइन झारखंड वॉज द लास्ट स्टेट विच रिजिस्टेड देंटर्स फार्मूला बट नाउ इट हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड इट एंड नाउ द जी एस टी कॉम्पनसेशन सेस का जो इम्पास है वो खत्म हो गया है ऑल द स्टेट्स हैव आर ऑन द सेम पेज नाओ एंड दे बो फॉर दिस ईयर एंड दे विल रिटर्न द सेम बोरोंगन जेल्स तो ये एक न्यूज़ है जो आपको करनी है इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमी में जी एस टी की थ्री सिक्सटी डिग्री कवरेज यू हैव टू डू वट इज जी एस टी वट इज कॉम्पनसेशन सेस हाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इंपैक्ट द फिजिकल फेडरलिज्म क्या फिजिकल फेडरलिज्म पे इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है या नेगेटिव इंपैक्ट जाता है डोमिनेशन ऑफ सेंटर और शो दैट ऑल द स्टेट्स आर वर्किंग इन अ गुड कोऑर्डिनेशन देयर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दू कैन से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग द बर्डन इक्वली शेयरिंग द बर्डन ऑफ फिजिकल यू कैन से प्रॉब्लम तो ये दोनों तरह से इसको लिया जा सकता है दैट इज अपलप योर ओपिनियन ये न्यूज आपको पढ़नी है उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज एन अदर इंपॉर्टेंट पेज टूडे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज नंबर इलेवन चैलेंजेस इन अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन तो जो एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ एक्सपर्ट है उनका यह कहना है कि जब भी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी तो उसके बाद एक हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाएगी बट इस आर्टिकल में बताया गया है कि वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने में आएंगे सो यू हैव टू रीड दिस सेकेंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट परस्पेक्टिव से लेसन इन टाइगर कंजर्वेशन फ्रॉम मैलेनार्ड। मेलेनार्ड इन कर्नाटका जहां पर टाइगर्स की जो गिनती है वो पिछले 40-45 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है सो so, 70 से 391 इंडिविजुअल्स यानी कि अप्रॉक्सीमेटली सिक्स टाइम्स टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो बहुत सारे इसमें कंजर्वेशन के मैथड जो हैं वो दिए गए हैं यू कैन स्टडी दीज एंड यू कैन पुट टर्म इन योर मेन्ज आंसर्स एज टू वाइल्ड लाइफ इन इंडिया काफ़ी अच्छी ये एक आ, आर्टिकल है एंड इट ऑल्सो फॉल्स अंडर यूर यूपीएससी मेन सिलेबस ऑफ वेरियस मॉडल्स मॉडल्स आपको साइट करने होते हैं सो हेयर मालेनाड मॉडल कैन बी अ गुड मॉडल टू साइट द इम्प्रूवमेंट इन वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट तो यह आपको पढ़ना है कीपिंग सीक्रेट इन अ क्वान्टम वर्ल्ड एंड गोइंग बियॉन्ड तो कंप्यूटर्स में और रोबोटिक्स के लिए दिस न्यूज यू हैव टू रीड इन साइंस एंड टेक तो इस एक पेज के ऊपर यह तीन न्यूज है जो आपको पढ़नी है ऑन द एफ एक् पेज ऑन पेज नंबर ट्वेल्व तो इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़नी है फर्स्ट इज कास्ट इन देंसेस कास्ट सेंसेस के ऊपर बात चल रही है पिछले कुछ टाइम से वट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कास्ट सेंसेस वेदर इट विल इनवोक कास्ट आइडेंटिटीज और वेदर इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द बैरियर्स ऑफ कास्ट बहुत सारे इसके ओपिनियंस हैं ये आपको आर्टिकल पढ़ना है देन इन्फ्लेशन इम्पोर्ट इन मॉनिटरिंग मैटर्स इंडियन इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से काफी अच्छा आर्टिकल है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बताया गया है इन्फ्लेशन क्या होती है कैसे प्रोजेक्ट की जाती है उसका मॉनेटरी पॉलिसी पर क्या क्या असर होता है ऑल दीज थिंग्स देन हानी इंडस्ट्री ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है देन दफ्टर मैथ ऑफ इरानियन साइंटिस्ट स्किलिंग दिस ऑल्सो यू हैव टू रीड फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन परसपेक्टिव ईरान के जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसन फखरीजादेह इनकी एसेसिनेशन की गई है इनको मार दिया गया है उसका पूरे के पूरे मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस पे क्या इंपैक्ट होगा यूएस ईरान रिलेशन पे ईरान इसराइल रिलेशन इसका क्या इंपैक्ट होगा पूरे के पूरे आई आर से ये न्यूज है जो आपको पढ़नी है आई में आप इसको एड करेंगे देन आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेज नंबर थर्टीन पर यह आर्टिकल है इस्लामिक विद इंटरनल मल्ट्रलिज्म मल्टीलिट्रलिज्मिश पढ़ सकते हैं इट इज ऑप्शनल अगर आप पढ़ना चाहें इट्स अ गुड आर्टिकल गिव्स यू अ यून बैकग्राउंड ऑफ द एंटायर मिडल ईस्ट उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस नाउ ऑन इंडियन एक्सप्रेस देर आर नॉट मेनी इंपॉर्टेंट न्यूज टूडे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आज इस पर नहीं आई है so we should jump directly to page number काफी सारी न्यूज आपको छोटी छोटी मिल जाएंगी बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज तो झारखंड वाली न्यूज जो है यहां पर वो रिपीट हो रही है एंड एक जो ये न्यूज है आपकी पेज नंबर थर्टीन पे डाइवेस्टमेंट एयर इंडिया ऑफिशियल सीक्स एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन यूनियंस आस्क देम टू स्टे अवे तो एयर इंडिया को किस तरह से डिस करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू टोटली सेल एयर इंडिया बिकॉज इट इज मेकिंग ह्यूज लॉसेस ये न्यूज आप पढ़ सकते हैं देन ऑन पेज नंबर ऑन पेज नंबर सिक्सटीन डायरेक्टली यू कम टू पेज नंबर सिक्सटीन बहरीन नाउ सेकेंड नेशन टू अप्रूव फाइजर कोविड वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज तो वैक्सीन के बारे में आजकल बहुत न्यूज़ चल रही हैं तो यूके के बाद बहरीन ऐसी सेकेंड कंट्री बन गई है जिसने फाइजर की कोविड वैक्सीन को एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर लिया है यूके बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड द सेकेंड इज बहरीन जिसने एमरजेंसी यूज़ के लिए कोविड वैक्सीन को अप्रूव कर लिया है और वो कोविड वैक्सीन जो कि फाइजर ने बनाई है तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनरी यूज के लिए जब अप्रूवल मिलती है और इमरजेंसी यूज के लिए जब अप्रूवल मिलती है उसमें क्या डिफरेंस होता है कैन इंडिया गो फॉर सच इमरजेंसी यूज एंड वट आर द इंप्लीकेशन ऑफ इट क्या इमरजेंसी यूज के वक्त में जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं या जो भी उस वैक्सीनेशन के ट्रायल्स हैं उनको किसी भी तरह से कट शॉर्ट किया जाता है या नहीं इज इज दिस अ शॉर्टकट एंड इफ इट इज अ शॉर्टकट Does it have any long-term implications? Because once the vaccine is administered to such a vast number of people, if there is, God forbid, if there is any side effect, it will have very, very vast implications. Because crores of people, जो हैं वो ऑलरेडी उस वैक्सीन को तब तक ले चुके होंगे जब तक हमें इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पता चलेगा। So what are the risks? What are the pros and cons of emergency use of such a vaccine?

बाइडन ऑफिशियली सिक्योर्स अनफ इलेक्टर्स टू बिकम यू एस प्रेजिडेंट यू एस प्रेजिडेंट इलेक्शन का रिजल्ट आए हुए ऑलमोस्ट पंद्रह से बीस दिन हो चुके हैं पर कल यानी कि फिफ्थ ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी को ऑफिशियली जितने इलेक्टर्स यूएस एस प्रेजिडेंट बनने के लिए चाहिए वो मिस्टर जो बाइडन ने सिक्योर किए सो दैट दैट प्रोसेस ऑफिशियली गॉट ओवर येस्टरडे तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है द ऑफ इलेक्शन और मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेजिडेंट मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेजिडेंट फर्स्ट सेकेंडली आपके लिए इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन बिटवीन यूएस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी मेन्स में यह आपका डायरेक्ट टॉपिक है कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स ऑफ अदर कंट्रीज Second, third, you have to do the comparison between parliamentary and presidential systems of government, parliamentary and presidential systems of government. So these are the three questions that you have to ask yourself and you have to prepare these. this news item So this is all that you have to read in today's newspapers.

Are aiming to reduce the wastage of your time. That is why these video series are so short, maximum 10 to 15 minutes, so that you can just watch them and then you can read on the newspaper and a lot of your precious time is saved. If you like this uh, initiative, please share it with your friends. Thank you and have a nice day.